हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में आज खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, आपने एक्सेल में सम का फॉर्मूला यूज किया होगा, लेकिन शायद एक्सेस में ना यूज किया हो। आइए देखते हैं इसमें कैसे क्वेरी लिखी जाएगी। ठीक है, ये टेबल बनी हुई है, देख सकते हैं। अब इसमें आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है सेल्समैन का। तो यहाँ पर इन्होंने सेल किया है सामान को, ठीक है, और इतने इतने अमाउंट का सामान सेल किया गया इनके द्वारा। तो इनका टोटल हमें निकालना है, तो टोटल हम सम के फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे और यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर, और क्वेरी डिजाइन पे जाते ही ये एसक्यूएल आएगा, यहां पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहां आपको क्वेरी कैसे कैसे लिखनी है वो बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां लिखिएगा सेलेक्ट, इस तरीके से सेलेक्ट लिखिएगा। और चूंकि हमको करना है सम, तो यहां लिखेंगे सम। और किसको सेलेक्ट करना है, तो सेल्स अमाउंट को, सेल्स AMOUNT, सेल्स अमाउंट हो गया, इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रहे कैपिटल स्मॉल का भी फर्क पड़ेगा। तो यहां अमाउंट का ये कैपिटल है, तो हमने लिख दिया स्मॉल, तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा, तो कैपिटल ही रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें कर लेने के बाद सेल्स अमाउंट हो गया। अब इस फील्ड को नाम क्या देंगे, एज टोटल, इस फील्ड को हम नाम दे देते हैं टोटल। ठीक है, और ये आएगा कहां से, तो फ्रॉम, कहां से आएगा, टेबल वन। देखिए ना, ये टेबल का नाम है टेबल वन। ठीक है, तो हमें भी यहाँ पे लिखना है टेबल वन, इस तरीके से लिख देना है। और यहाँ टर्मिनेशन देना, यानी सेमी कॉलन दे देना है। ठीक है, तो अब ये हमारी क्वेरी ओके हो गई। अब यही वो क्वेरी है जिसके लिखने से सम होके आएगा, इसका टोटल जो भी अमाउंट सेल किया गया सारे सेल्समैन के द्वारा, उन सभी का सम ये करके देगा। तो चलिए एक बार इसको चलाने की बारी है, देखा जाए कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहां से चल करके और रन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल के नाम से फील्ड का नाम टोटल आ रहा है, 34,400 का टोटल हो रहा है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा कि किस तरीके से आप सम का फॉर्मूला भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लगा सकते हैं, आसान है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी सवाल हो वो कॉमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जवाब जरूर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।